दुनिया जहान में इस हफ्ते। क्या हमारा भविष्य जमीन के अंदर होगा? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। आज दुनिया की 8 अरब की आबादी का आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा शहरों में रहता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि आने वाले 25 सालों में शहरों में बसने वाले लोगों की आबादी बढ़कर 2/3 हो जाएगी, यानी 2050 तक हर 10 में से 7 लोग शहरी इलाकों में रह रहे होंगे। ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में होगी, जहां जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो रहा है। शहरों में भीड़ बढ़ जाएगी और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाएगा। इमारतों को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। पर इसका एक उपाय हो सकता है, वो ये है कि शहरों का विस्तार जमीन के ऊपर या इर्द गिर्द करने के बजाय जमीन के अंदर यानी कि भीतर किया जाए। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा भविष्य अंडरग्राउंड या जमीन के भीतर होगा। Part 1, अंडरग्राउंड। मध्य तुर्की में 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा खूबसूरत इलाका है, जहां दूर दूर तक कोन के आकार यानी कि शंक्वाकार पत्थर दिखाई देते हैं। लाखों साल पहले ज्वालामुखियों के फटने से निकली राख की वजह से ये बने थे। अगर इन प्राकृतिक शिखरों को गौर से देखें तो वहां बगल में दरवाजे बने नजर आते हैं। इनके अंदर प्रवेश करते ही कमरों, गलियारों और सुरंगों की एक विशाल दुनिया उभरती है। वहां ऐसा एक परिसर है, डेरेनक्यू शहर। वहां जमीन के 85 मीटर नीचे कमरों, गलियारों और सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद है। सदियों तक लोग दुश्मनों से बचने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट मार्टिन डिक्सन सब टेरेनिया ब्रिटेनिका नाम की संस्था के ट्रस्टी हैं। ये संस्था जमीन के नीचे मनुष्यों द्वारा रहने के लिए बनाई गई जगहों पर शोध करती है। मार्टिन डिक्सन कहते हैं कि वो दुनिया की ऐसी कई जगहों पर रिसर्च कर चुके हैं। वो बताते हैं कि डेरेनक्यू की इन सुरंगों के मुहानों को भारी गोल पत्थरों से बंद कर दिया जाता था, ताकि बाहर से शत्रु भीतर ना आ पाए। The millstone, which would roll... इन गोलाकार पत्थरों को भीतरी गलियारों से सुरंग के मुंह पर ठेल दिया जाता था, जिससे बाहर से उन्हें हटाना असंभव होता था। ऐसे दरवाजों के इर्द गिर्द सुरंगें होती थीं, जहां से बाहर से घुसने वाले शत्रुओं पर भाले जैसे हथियारों से हमला किया जा सकता था। मार्टिन डिक्सन का कहना है कि जब जमीन पर लड़ाई होती थी तो लोग ऐसी भूमिगत जगहों में शरण लिया करते थे। ये स्थायी ठिकाने तो नहीं थे, लेकिन जमीन पर संघर्ष से बचने के लिए लोग यहाँ लंबे समय तक रहते थे। इन भूमिगत परिसरों में कुएं थे, रोशनदान थे, मवेशियों के लिए बाड़े और अस्तबल थे, जहां लोग सुरक्षित रह सकते थे। शत्रुओं और जंगली जानवरों से बचने के साथ साथ मौसम की मार से बचने के लिए इंसान सदियों से गुफाओं में शरण लेते रहे हैं। लगभग 100 साल पहले दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कूबर पेडी इलाके में खनिकों ने कीमती पत्थर निकालने के लिए खनन शुरू किया, लेकिन फिर चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए उन्होंने जमीन के नीचे पूरी दुनिया ही बसा डाली। आज लगभग 1500 लोग जमीन के अंदर ही रहते हैं। वहां दुकानें चलाते हैं, खरीदारी करते हैं और यहां तक कि भूमिगत चर्च में प्रार्थना भी करते हैं। स्थानीय लोग इसे डगआउट कहते हैं। कूबर पेड़ी में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता है, जिस वजह से लोग जमीन के नीचे बनाए गए घरों में रहते हैं, जहां तापमान पूरे साल 20 डिग्री के करीब रहता है। इसलिए कूबर पेड़ी की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा पूरे साल अंडरग्राउंड रहता है। जमीन के नीचे या अंडरग्राउंड रहना कैसा होता है, उनके मकान कैसे होते हैं और घर में सूर्य की किरणें कैसे पहुँचती है? मेरी राय में तो जमीन के नीचे उनका जीवन बहुत प्यारा होता है। पत्थर में एक नारंगी झाई होती है और उसकी सतह आकर्षक लगती है। आमतौर पर उसका लिविंग रूम एंट्रेंस या मुहाने के नजदीक होता है और वहाँ खिड़की होती है।
इस कमरे में वो दिन का ज्यादा समय बिताते हैं और भीतरी कमरों को स्टोरेज या बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाहर तेज गर्मी होती है मगर भीतर कमरों में सूरज की रोशनी नहीं आती, इसलिए यहाँ तापमान आरामदेह होता है। कूबर पेडी के निवासियों ने गर्मी से बचने के लिए भूमिगत मकानों का उपाय निकाला। दुनिया में और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग मकान तो जमीन के ऊपर बनाते हैं लेकिन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जमीन के नीचे करते हैं। पार्ट टू, शहरों का निर्माण। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में मेट्रो या भूमिगत रेल चलती है। इन अंडरग्राउंड स्टेशनों के भीतर लोगों के कार्यालय हैं, जहां वो ट्रेन से उतरकर सीधे अपने ऑफिस में जा सकते हैं, खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं और इसके लिए लिफ्ट से जमीन के ऊपर की इमारत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंडरग्राउंड परिसर बनाने की एक और वजह है, वो है मौसम। मिसाल के तौर पर पूर्वी कनाडा में सर्दियों के दौरान तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट ज़ियाक बेसनर एक आर्किटेक्ट और शहरी योजनाकार हैं। वो एसोसिएटेड रिसर्च सेंटर फॉर अर्बन अंडरग्राउंड स्पेसेस के सह संस्थापक भी हैं। 1980 के दशक में ज़ियाक बेसनर ने मॉन्ट्रियल में भूमिगत परिसरों के निर्माण में काम किया था। मॉन्ट्रियल का अंडरग्राउंड शहर 30 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें सैकड़ों दफ्तर, दुकानें और यहाँ तक कि म्यूजियम भी हैं। प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़ियाक बताते हैं, इन जगहों को डिजाइन करते समय सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन जगहों पर गलियारे बहुत चौड़े बनाए जाते हैं और दीवारों पर साफ तरीके से साइन बोर्ड लगे होते हैं ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो और लोग सुरक्षित महसूस करें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और भवन निर्माण सामग्री से अब पहले से मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना भूमिगत परिसरों में शॉपिंग मॉल जैसी बड़ी इमारतें बनाई जा सकती हैं। 100 साल पहले जब लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा था, तब मौजूदा इमारतों को नुकसान न हो इसलिए जमीन में बहुत गहराई में सुरंगें खोदनी पड़ी थी। पुराने शहरों में ये काम मुश्किल तो होता है लेकिन यहाँ की विरासत का भरपूर इस्तेमाल अंडरग्राउंड परिसरों के लिए किया जा सकता है। कई शहरों में जमीन के नीचे ऐसे डगआउट मध्यकाल से लेकर शीत युद्ध के दौरान तक बनाए गए थे। शहरों में लड़ाई के दौरान बमबारी से बचने के लिए भूमिगत परिसर बनाए गए थे। इन ऐतिहासिक जगहों का इस्तेमाल अब पर्यटन के लिए होता है क्योंकि ये जगह काफी रोचक होती हैं। लेकिन इन जगहों को आधुनिक अभिरुचि के अनुसार ढालकर यह रेस्तरां और दुकानें खोली जा सकती हैं, जो आजकल काफी फैशनेबल है। फिलहाल लोग इन अंडरग्राउंड जगहों का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करते हैं, पर क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यहाँ लंबे समय तक रहने की व्यवस्था के बारे में सोचा जा सकता है? जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और आग लगने की वारदातें बढ़ जाएंगी और जमीन के ऊपर गर्मी इतनी तेज हो जाएगी कि लोग अंडरग्राउंड में ठंडी जगहों में रहने के बारे में जरूर विचार करेंगे। गर्मी और उमस से बचने के लिए अंडरग्राउंड परिसर अच्छा उपाय बन सकते हैं। मॉन्ट्रियल का अंडरग्राउंड शहर 60 साल पहले बना था। भविष्य के बदलावों को देखते हुए 21वीं सदी के आर्किटेक्ट अब नए किस्म के भूमिगत परिसर बनाने की योजना बना रहे हैं। पार्ट 3, रोशनी की किरण। अंडरग्राउंड निर्माण क्षेत्र में एक साहसी योजना को दक्षिण कोरिया में अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी सोल के गंगनम इलाके में जमीन के नीचे आधा किलोमीटर लंबा पार्क या लाइट वॉक बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर शीशे की छत होगी, जिससे रोशनी जमीन के नीचे पार्क और वहां बने परिसर तक आ पहुंचेगी। हमारी तीसरी एक्सपर्ट एंटोनिया कोरनारो स्विट्जरलैंड की एम्बर्ग इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन कमेटी की सह प्रमुख है। उन्होंने सोल के लाइट वॉक प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ जमीन के नीचे दो आधुनिक पार्क बनाए जाएंगे। जिस तरह न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क और लंदन में हाइड पार्क है, उसी तर्ज पर सोल में यह लाइट वॉक पार्क बन रहा है।
इसकी खास बात यह होगी कि यह सोल की मेट्रो रेल से जुड़ेगा। साथ ही यहाँ लोगों के मनोरंजन के कई साधन होंगे। अगर जमीन पर गर्मी और उमस ज्यादा हो तो लोग नीचे पार्क के ठंडे मौसम में समय बिता सकेंगे। सूर्य की रोशनी की कमी भूमिगत परिसरों की एक बड़ी खामी रही है, लेकिन शीशे की छत से इसे भी दूर किया जा सकता है। आधुनिक आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्शन और फाइबर ऑप्टिक केबल से सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल भूमिगत परिसरों में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ एक दूसरी समस्या है कि जमीन के नीचे खुदाई बेहद खर्चीला काम है। न्यूयॉर्क में ऐसे ही एक अंडरग्राउंड लोलाइन पार्क का निर्माण 2019 में शुरू हुआ, लेकिन एक साल बाद ही धन की कमी के कारण बंद हो गया। पर उम्मीद की जा रही है कि ये दोबारा शुरू होगा और फलेगा फूलेगा भी। उन्होंने जमीन के नीचे कई प्रकार के पौधे उगाने का परीक्षण किया है। यह बेहद सुंदर सार्वजनिक पार्क बन सकता है जहां लोग साल के किसी भी समय दिन या रात में जा पाएंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए वहां सूरज की रोशनी पहुंचाई जाएगी, जिससे वहां पेड़ पौधे फल फूल सकेंगे। अगर लो लाइन पार्क में पौधे उगाए जा सकते हैं तो क्यों ना ऐसी खाली पड़ी भूमिगत जगहों पर पौधे उगाने या खेती करने के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि प्रतिकूल स्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खेती की ऐसी जगहें अस्तित्व में हैं और एंटोनियो कोरनारो ने ऐसी दो जगहों का दौरा भी किया है। मैंने लंदन में एक अंडरग्राउंड खेती के प्रोजेक्ट को देखा है, जिसे दो युवा कारोबारियों ने बेकार पड़े पुराने भूमिगत बंकरों में शुरू किया है। इस खेती का व्यापार काफी सफल रहा है। इस भूमिगत जगह पर एलईडी लाइटों से रोशनी की गई है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड में भी चल रहा है और यहाँ भी यही तरकीब अपनाई गई है। कई अंडरग्राउंड जगहों पर मशरूम उगाए जा रहे हैं। सोल के एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन में सलाद उगाकर यात्रियों को बेचे जाते हैं। ऐसी एक योजना फ्रांस में भी शुरू की जा रही है। वहीं यूके में बंद पड़ी कोयला खदानों के भीतर खेती करने का सुझाव भी आया है। अंडरग्राउंड जगहों पर खेती करने का एक फायदा ये भी होता है कि वहां फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और पक्षी नहीं होते। वहीं खेत से अनाज को शहरों तक ले जाने में यातायात से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी घटाया जा सकता है। जमीन पर अनाज उगाने की तुलना में जमीन के नीचे फसलों को कम पानी और जगह की जरूरत होती है। एंटोनियो का कहना है कि भूमिगत परिसरों में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती और उनका रखरखाव भी सस्ता होता है। पार्ट 4, खुदाई की चुनौती। हमारी चौथी एक्सपर्ट प्रोफेसर क्लारा इराजबेल अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में शहरी योजना अध्ययन कार्यक्रम की निदेशक हैं। उनका मानना है कि अब दुनिया की बहुसंख्यक आबादी शहरों में रहने लगी है, ऐसे में जगहों की कमी को दूर करने के लिए भूमिगत परिसरों का निर्माण अच्छा मगर साहसी विकल्प हो सकता है। Cost will be higher, building underground and it might require... अंडरग्राउंड इमारतें बनाने में खर्च अधिक होगा और प्रक्रिया पेचीदा होगी। फिर इमारत के ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करना, वाटर प्रूफिंग, वेंटिलेशन और उसकी मरम्मत करना भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इन सब के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। अंडरग्राउंड इमारतों की डिजाइन बनाते वक्त ये भी सोचना होगा कि वहाँ रहने से हमारे दिमाग पर क्या असर होगा, क्योंकि बाढ़ या आग के खतरे के साथ ऐसी जगहों पर रहना आसान तो बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक दुनिया से अलग थलग आसमान और सूरज की रोशनी के बगैर रहने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। अंडरग्राउंड निवास के इस नकारात्मक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंडरग्राउंड जीवन के साथ अगली समस्या है इसके साथ जुड़ी धारणाएं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कोरियाई फिल्म पैरासाइट में बेसमेंट में रहने वाले एक गरीब परिवार की कहानी दिखाई गई थी। सोल में लगभग 2,00,000 लोग ऐसे मकानों में रहते हैं। बाढ़ और कीड़े मकोड़ों की समस्या से जूझते हैं। इन समस्याओं को हल भी कर लिया जाए तब भी इस प्रकार के जीवन से जुड़ी नकारात्मक धारणा का उपाय मुश्किल है। जमीन के नीचे रहने को हमेशा गरीबी से जोड़कर देखा गया है और माना जाता रहा है कि जिनके पास जमीन के ऊपर रहने के संसाधन नहीं होते वही अंडरग्राउंड मकानों में रहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है
कि इंसान जमीन के ऊपर रहने के आदी रहे हैं, वो रीति रिवाजों के साथ जीते हैं, इसलिए हमारे लिए आदत बदलना आसान नहीं होता, मगर हमें साहसी और रचनात्मक सोच अपनानी होगी। प्रोफेसर क्लारा कहती हैं कि कई शहरों में मॉल, कैसीनो और रेल अंडरग्राउंड हैं। हमें उस व्यवस्था को और मजबूत व बेहतर बनाना होगा ताकि जमीन के नीचे आवासीय परिसर भी बनाए जा सकें। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि क्या हमारा भविष्य अंडरग्राउंड होगा? जैसे जैसे अधिकाधिक लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, शहर में जगह की किल्लत बढ़ रही है, फिर जमीन के नीचे तापमान को नियंत्रित करना आसान होता है और टेक्नोलॉजी की मदद से हम वहां प्राकृतिक रोशनी भी ला सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं। दरअसल हमारे सामने असली चुनौती भूमिगत जीवन से जुड़ी धारणा को बदलने और जमीन के नीचे इमारतें बनाने के लिए संसाधन जुटाने की है। मगर आधुनिक दुनिया के सामने खड़ी जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी की समस्या को देखते हुए हमारे पास गहराई में और उतरने के अलावा शायद दूसरा विकल्प भी नहीं है।